क्या कोई लड़की किसी सील के साथ पैदा हो? कितने ऐसे लोग हैं जो ये बात मानते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें। ओपनिंग है और ये कहाँ से खुलती है? इधर अंदर की साइड में रहे हैं यहाँ की, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ओपनिंग होती है ये क्या होती है, किसी किसी में कवर्ड होती है, पूरी तरीके से ही कवर्ड होती है, पूरी तरीके से कोई सील है, कोई झिल्ली है, तो ये जो ब्लड है ये बॉडी से बाहर कैसे आएगा? नहीं आ पाएगा। तो ऑब्वियसली इसके अंदर कोई छेद तो होना चाहिए, ठीक है। चाहे कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको हम ब्लाइंडली मान लेते हैं, या फिर उनके आंसर्स को हम ब्लाइंडली समझ लेते हैं कि हाँ ये ही सही है, क्योंकि बहुत पहले से कुछ ऐसी बातें होती आ रही हैं जिनको हम सुनते आ रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करते आ रहे हैं, एंड उनका जो जवाब है वो साइंस के तरीके से हमने खोजने की कोशिश ही नहीं की, सिर्फ सुन लिया और समझ लिया और यही मान लिया कि यही सच है। अब क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन ये है कि क्या कोई लड़की किसी सील के साथ पैदा होती है? तो बहुत सारे लोगों का मानना यही होता है कि जब कोई लड़की पैदा होती है तो उनका जो प्राइवेट पार्ट है वो अंदर से सील्ड होता है, और जब वो फर्स्ट टाइम रिलेशन बनाती है तो वो सील टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, एंड उसके बाद ब्लीडिंग होती है। तो कितने ऐसे लोग हैं जो ये बात मानते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर ये बात आप लोग मानते हैं कि पूरी तरीके से सील्ड होता है, जो पार्ट है वो पूरी तरीके से सील्ड है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि अगर इस तरीके से सील्ड है तो जब जब कोई लड़की 12-13 साल की होती है तो जब फर्स्ट टाइम उसको पीरियड आते हैं तो पीरियड्स कहाँ से आते हैं, उसकी जगह कहाँ मिल जाती है? अगर कोई झिल्ली है, ठीक है, जो झिल्ली है जो कि आप बता रहे हैं कि सील है, तो वो किस तरीके से पीरियड्स को आने को अलाउ करती है? ये आप मुझे अब क्वेश्चन का आंसर देंगे। जिसको पता है वो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है तो आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगी। पहली बात तो ये कि कोई सील होती है या फिर नहीं होती है, उसको जानेंगे कि मेडिकल की भाषा में क्या कहते हैं जो आप ये जो झिल्ली बता रहे हैं इसको। दूसरी कि अगर ऐसा हो गया कि पूरी तरीके से कोई सील्ड है, ठीक है, जो प्राइवेट पार्ट हो पूरी तरीके से सील्ड है, तो क्या भयानक प्रॉब्लम आ सकती है, उसको भी हम समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो आप सभी जानते हैं कि संडे को हमारा अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो आता है, एंड इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आना मतलब ये तो आप समझ सकते हैं कि कितना टैबू टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत ही कम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो हम समझेंगे साइंस क्या कहती है, किस तरीके से क्या होता है, उन सबको बहुत ही डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब कोई जो बच्चा है जो वो अपने माँ के वोम में होता है, मतलब गर्भाशय में होता है, तब क्या होता है कि जब वो लगभग 9 वीक का होता है तो उस टाइम में जो अंदर के पार्ट्स हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, मतलब जो प्राइवेट पार्ट हैं, ये समझिए आप, जिनसे ये डिसाइड होता है कि लड़का बनेगा या फिर आगे चल के लड़की बनेगी, तो वो डिसाइड होना शुरू होने लग जाता है। अंदर वाले जो पार्ट्स होते हैं वो बनने लग जाते हैं, कि लड़के में क्या होते हैं, टेस्टिस होती हैं, ठीक है, एंड जो लड़कियाँ हैं उनमें क्या होंगी, ओवरीज होंगी, तो उनका ओवरीज होंगी एंड गर्भाशय होगा, तो उनका विकास होना मतलब डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है 9 वीक से, लगभग इस वीक से ही शुरुआत हो जाती है, और धीरे 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 12 वीक तक जाते जाते पूरा जो एक्सटर्नल जो जेनिटेलिया है वो भी बन जाता है, मतलब बाहर का जो प्राइवेट पार्ट है वो भी बन जाता है। समझ में आ रहा है? तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम्स बनाए हैं, इनसे मैं आपको समझाऊंगी, और भी डायग्राम्स बनाने हैं जिनसे आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि क्या सच्चाई है, ठीक है। तो देखिए ये मैंने बनाया है, जैसे कि कोई भी जो बच्चा है उसका जब डेवलपमेंट होता है माँ के जो गर्भाशय है उसके अंदर, तो क्या होता है कि शुरुआत में अगर मान लीजिए लड़की है, क्योंकि हमें लड़की की बात करनी है, तो ये ओवरीज बनती हैं, ठीक है, दो छोटी छोटी आपको दिखाई दे रही होंगी, ओवरीज बनती हैं, एंड एक इस तरीके की दो डक्ट्स होती हैं, एक नहीं दो डक्ट्स होती हैं जो दोनों साइड से इस तरीके से आती हैं, इनको हम बोलते हैं मुलेरियन डक्ट। अब ये जो डक्ट हैं ये डिसाइड करती हैं कि अगर ये आगे तक रहती हैं तो ये लड़की बनेगी, इस चीज के लिए ये जिम्मेदार होती हैं। क्यों, अभी समझ में आएगा। तो ये जो दो डक्ट्स हैं ये दोनों आके मिल गई इस तरीके से, दोनों एक दूसरे में फ्यूज हो गई हैं, मतलब अगर दो ट्यूब हैं इस तरीके से आ रही हैं और बाद में आके एक ही बन जाए, ठीक है, इनके बीच का ये जो है ये बिल्कुल हट जाए और ये एक ही बन जाए, इस तरीके से ये बन जाती हैं नीचे, ठीक है। ये जो दूसरे वाला डायग्राम है इसमें आपको पूरी तरीके से ये कन्फर्म हो जाएगा कि कौन से हिस्से से क्या बनने वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो मुलेरियन डक्ट है इस तरीके से आगे फ्यूज हो गई है, तो इसके ये वाले जो हिस्से हैं
दोनों साइड में, जो ओवरीज के दोनों साइड में है, तो ये क्या बनाएंगी? फेलोपियन ट्यूब्स बनाएंगी, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है. ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब है, लेफ्ट एंड ये राइट. ओके, तो इस तरीके से इससे लेफ्ट ये बन जाएगी ट्यूब, इससे राइट बन जाएगी. समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे ये जो ये फ्यूज हो गया है, तो ये फ्यूज वाला हिस्सा क्या बनाएगा? ये वाला हिस्सा बनाएगा ये यूट्रस. ठीक है, जो कि मैंने यू से यहाँ पे दिखाया है. मतलब ये वाला हिस्सा आगे डेवलप हो जाएगा किसमें? यूट्रस में. ठीक है, एंड आगे वाला हिस्सा, इसके नीचे वाला, ये डेवलप हो जाएगा सर्विक्स में, जिसको हम बच्चेदानी का मुंह बोलते हैं. ये क्या है? बच्चेदानी है. एंड ये क्या है? बच्चेदानी का मुंह. ठीक है, ये इसमें डेवलप हो जाएगा. समझ पा रहे इस चीज को? ओके, एंड जो नीचे बचा है वो क्या बनाएगा? कुछ हिस्सा बनाएगा, मतलब दो तिहाई भाग बनाएगा किसका? वजाइना का. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वी से लिखा है, ये कंप्लीटली फुली डेवलप है. तो ये मान लीजिए इतना हिस्सा, 2/3 हिस्सा क्या बनाएगा? इसको बनाएगा. ठीक है, इस तरीके से ये इसका डेवलपमेंट होता है. देखिए 2/3 हिस्सा तो यहाँ से बन गया है इसका. ठीक है, मुलेरियन डक जो ऐसे होके आई थी उनसे बन गया, और जो कुछ बचा हुआ है वो किससे बन जाता है? कि जो हमारा जो प्राइवेट पार्ट होता है, तो वहाँ से अंदर के साइड में एक ट्यूब जाती है. ठीक है, एक ट्यूब जाती है जिसको बोला जाता है साइंस की भाषा में यूरोजेनाइटल साइनस. ठीक है, अंदर की तरफ जाती है, ये समझिए आप, इस तरीके से एक ट्यूब जा रही है एंड एक ट्यूब नीचे की तरफ आ रही है. ठीक है, जब ये दोनों पूरी तरीके से मिल जाएंगी, अगर इस तरीके से ये मिल जाती हैं, इस तरीके से मिल गई एंड इनके बीच का ये जो दीवार है ये भी हट गई, तो मतलब क्या हुआ? ये पूरी वजाइना बन गई है. ओके, ये पूरी तरीके से वजाइना बन गई है. कभी कभी क्या होता है कि ये नहीं मिल पाती है, तो क्या होता है उसको भी हम समझेंगे. तो अब आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से होता है. देखिए थोड़ा इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक ये जो ट्यूब है ये ऊपर से आ रही है, एक नीचे से ऐसे जा रही है. अब इन दोनों के बीच में, दोनों के साइड में क्या है? दीवारें हैं, लेकिन इन दीवारों को हटना है. अगर ये हट गई, पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गई, तो ये एक सीधी ट्यूब बन जाएगी. ठीक है, जिसने किसको बना दिया? इसको, वजाइना को बना दिया. तो अब हम ये जान लेते हैं कि अगर ये पूरी तरीके से नहीं खुलती है, मतलब पूरी तरीके से अगर ये इसके अंदर कोई छेद नहीं होता है, तो क्या होगा? ठीक है, उसको समझते हैं. तो इसके बेसिस पे भी बहुत तरीके की स्ट्रक्चर्स मिल सकती हैं. सबका जो है हिस्सा, ये अलग अलग हो सकता है. अब आप ये जो झिल्ली बता रहे हैं, ये यहीं से रिलेटेड है. देखिए इस चीज को समझने के लिए और भी मैंने क्लियर डायग्राम बनाए हैं, ताकि आपको समझ में आए एक्चुअल में होता क्या है. देखिए यहाँ पे हमने ये फुली डेवलप जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो देखा है. तो ये वाला जो हिस्सा है, इसकी हम बात करेंगे. ठीक है, इसकी बात करने वाले हैं. तो ये एक्सटर्नली हमें बाहर से दिखाई देता है, वो वाला हिस्सा है. समझ में आ रहा है? ये है क्या? मेजोरा. ठीक है, ये माइनोरा. एंड अंदर वाला जो हिस्सा है, वेस्टिब्यूल जिसको बोलते हैं, ये इसकी बात करने वाले हैं. इसके अंदर ही सारी ओपनिंग्स जो हैं वो खुलती हैं. ठीक है, जो ट्यूब वगैरह हैं पेशाब के लिए एंड जो वजाइनल है, वो ओपनिंग वो यहीं पे खुलती हैं. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर की तरफ क्या है, ये पेशाब के लिए. अरे जो दूसरे वाला जो है, इसको बोलते हैं वजाइनल ओपनिंग. ठीक है, अब जो आप बात करते हैं कि जो एक मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली है, वो कहाँ पे होती है? तो देखिए ये हम सामने से देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है. अब देखिए ये एक ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, और ये कहाँ से खुलती है? इधर अंदर की साइड में जाती है. समझ में आ रहा है? ये ओपनिंग इस तरीके से, ये इसके अंदर वाली ट्यूब है. तो हम बात कर रहे हैं यहाँ की. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ओपनिंग होती है, ये क्या होती है? किसी किसी में कवर्ड होती है, पूरी तरीके से ही कवर्ड होती है. ठीक है, जैसा कि मैंने ये वाले हिस्से को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है. तो किसी किसी में क्या होता है, ये वाला जो हिस्सा है ये पूरी तरीके से कवर है. ठीक है, पूरी तरीके से कवर है, इसमें कोई छोटा सा भी छेद नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल भी छेद नहीं है. दूसरे वाला जो कि मैंने नॉर्मल बनाया है इसकी तरह, इसमें ये वाला है जिसको हम क्या बोलते हैं, वजाइनल ओपनिंग. एंड इसके आसपास कोई टिश्यू होता है. देखिए अभी बंद क्यों है, बंद क्यों है, उसका मतलब क्या है उसको समझते हैं. कि यहाँ पे एक ओपनिंग तो होगी, लेकिन वो पूरी तरीके से कवर है. किससे? कोई टिश्यू होता है, या फिर हम बोल सकते हैं जो झिल्ली होती है, तो उसको आपने नाम दे दिया हाइमन. ठीक है, मेडिकल की भाषा में उसको हाइमन बोल देते हैं. अब ये जो टिश्यू है, ये इसको कवर कर लेता है. अब ये जो टिश्यू है बहुत ही इलास्टिक होता है, जैसे कोई रबड़ होता है, इसके तरीके से होता है. तो अगर बिल्कुल ही इसमें कोई जगह ही नहीं है, अंदर पूरी तरीके से ही ये कवर है,
ठीक है, इस तरीके से पूरा कवर है, तो इसको हम बोलेंगे इम्परफोरेटेड हाइमन। मतलब अगर आप जिसकी बात करते हैं तो वो ये हो सकता है कि पूरी तरीके से सील, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है कि जब लड़की में जो पीरियड्स आते हैं तो यहाँ पे एक एंडोमेट्रियम नाम की एक परत बनती है, ठीक है, वो निकल के बॉडी से बाहर आती है जब कोई लड़की 12-13 साल की हो जाती है तब, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं अगर यहाँ से पूरी तरीके से कोई सील है, कोई झिल्ली है, तो ये जो ब्लड है ये बॉडी से बाहर कैसे आएगा, नहीं आ पाएगा। तो ऑब्वियसली इसके अंदर कोई छेद तो होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई कि ये इस तरीके से होना चाहिए। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है पहले उसको भी हम जान लेते हैं। किसी किसी में ऐसा होता है कि ये पूरी तरीके से बंद होता है। अब देखिए ये आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जब ये पूरी तरीके से ऐसे बंद है, मतलब ये बीच का जो सेप्टम है, जो एक झिल्ली है, वो टूटी नहीं, मोटा है, किसी किसी में मोटा रह जाता है, थिकनेस ज्यादा होती है, तो ये टूटा नहीं, तो क्या हो जाएगा कि इसका जो ब्लड है, जब पीरियड्स आते हैं तो जो ब्लड होता है वो इकट्ठा होता रहता है। कहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, अगर यहाँ से मान लीजिए बंद है, ठीक है, तो यहाँ पे भी इकट्ठा हो जाएगा, एंड यहीं पे भी इकट्ठा होता रहेगा, सर्विक्स के अंदर भी। कभी कभी क्या होता है कि इन फेलोपियन ट्यूब में भी इकट्ठा होने लगता है, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ता है इसके अमाउंट बढ़ेगा तो ये इकट्ठा होता चला जाएगा, ठीक है, ये पूरा भरता हुआ चला जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जब कोई जो लड़की है जिसको अगर इस तरीके की दिक्कत है कि उसमें बिल्कुल छोटा सा भी छेद नहीं है, तो होगा क्या कि उसको जब भी पीरियड आएंगे तो पीरियड तो होंगे, बिल्कुल नॉर्मल है, वो अंदर से उसके जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल नॉर्मल है, हर महीने ये जो एंडोमेट्रियम है ये टूट के आ रही है, लेकिन ये टूट के बाहर नहीं निकल पा रही है। अगर बाहर नहीं निकलेगी तो यहीं पे ये जो ब्लड है ये इकट्ठा होता रहेगा, एंड ये इस तरीके से बहुत टाइम तक अगर रहता है, 5-6 महीने, 7-8 महीने तक अगर रहता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे उनको जो एब्डोमेन वाला हिस्सा होता है, नीचे वाला हिस्सा पेट का, उसमें दर्द होने लग जाएगा, बहुत दर्द होगा उसको, जब भी पीरियड आएंगे तब भी दर्द होगा, ठीक है। जैसे जो सिम्टम्स होते हैं, जब भी पीरियड आते हैं तो कमर में दर्द होता है किसी को, पैरों में दर्द होता है किसी को, यहाँ पे जो एब्डोमेन वाला हिस्सा होता है यहाँ पे बहुत दर्द होता है, तो क्या होगा, उसको सारे सिम्टम्स होंगे लेकिन ब्लीडिंग नहीं होगी। तो जब भी वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसी प्रॉब्लम के साथ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है, कि यहाँ पे कोई भी छेद नहीं बना है, ठीक है, जो आप बता रहे हैं सील्ड है, तो पूरी तरीके से सील्ड होने का सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि जो पीरियड्स है वो भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। अब मोस्टली जो माँ बाप बच्चे को लेकर जाते हैं इसी प्रॉब्लम के साथ जाते हैं कि इनको पीरियड नहीं आ रहे हैं, लड़की 16-17 साल की हो गई है, 15 साल की हो गई है, लेकिन पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो क्या कारण हो सकता है। अगर सिर्फ इसके कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ अगर इसी वजह से नहीं आ रहे हैं, सब कुछ अंदर से डॉक्टर देखते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, सब ठीक है, अंदर के जो सिस्टम है वो सब ठीक ठाक हैं, अच्छे से काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ओपनिंग नहीं है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो फिर होगा क्या कि जब ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो उसको पेशाब करने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि इसका जो प्रेशर है वो ब्लैडर के ऊपर भी पड़ता है, जो ब्लैडर के ऊपर पड़ता है एंड जो ट्यूब्स है जिसकी यहाँ पे जो ट्यूब है इसके ऊपर भी प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से जो पेशाब है बहुत धीरे धीरे आता है या फिर उसको प्रॉब्लम होती है पेशाब करने में भी, और हमेशा यहाँ पे जो दर्द है वो फील होता रहता है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम की बात है, अगर इसको ठीक नहीं कराया गया तो इसी तरीके से दिक्कत आती रहेंगी। तो डॉक्टर जब भी जाते हैं तो डॉक्टर के पास सिंपल सा एक इलाज होता है जो कि इजीली हो जाता है, लोग डर जाते हैं कि ऑपरेशन होगा वो भी इस जगह का, लेकिन ये ऑपरेशन जैसे कुछ नहीं है, एक छोटा सा चीरा लगता है, इस तरीके से चीरा लगाया जाता है, इस तरीके से चीरा लगाया जाता है जैसे प्लस का निशान होता है, क्योंकि अगर ऐसे चीरा लगाएंगे तो क्या होगा, ये वापस से स्किन जुड़ सकती है, ठीक है, इस तरीके से जुड़ जाएगी तो फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से एक चीरा लगाया जाता है, एनेस्थेसिया दिया जाता है, ठीक है, उसको बेहोशी की हालत में फिर उसको चीरा लगाया जाता है। जैसे चीरा लगाते हैं तो पूरा जो ब्लड इकट्ठा हो रहा होता है यहाँ पे, वो पूरा का पूरा बॉडी से बाहर आ जाता है, आराम से अपने आप ही सब ब्लड बॉडी से बाहर आ जाता है, समझ पा रहे हैं। तो ये दिक्कत आ सकती है, एंड इसका सोल्यूशन भी मैंने बता दिया है डॉक्टर क्या करते हैं। तो इस वजह से डरना नहीं है कि ऑपरेशन होगा इस जगह का होगा तो कोई दिक्कत हो जाएगी, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, बहुत ही छोटी सी चीरा लगता है, थोड़े से टाइम में ही ये ठीक भी हो जाता है। ये क्लियर हो गया होगा सबका डाउट। अब हम ये समझते हैं कि और भी तरीके की जो हार्मोन है वो होते हैं। अब किस तरीके के होते हैं देखिए, थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझ लेते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो और भी कितने तरीके के हो सकते हैं। सो सबका जो है, आप लोग जो झिल्ली बता रहे हो सबकी एक जैसे नहीं हो सकती, सबकी अलग अलग हो सकती है। किसी में क्या है, इस तरीके से छोटे 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 छेद के जैसे दिखाई दे रहे हैं, मतलब जो टिश्यू है, जो झिल्ली हम बता रहे हैं वो क्या है, वो कहीं कहीं से उसमें छेद हैं,
ठीक है, ये पूरी अगर हम देखें तो एक ट्यूब की जैसी है, लेकिन इसके आसपास क्या है, टिश्यू है, यहाँ पे टिश्यू है जो कि इसको कवर करके रखता है। अब देखिए पूरी तरीके से सही क्या है ये तो कोई भी नहीं बता सकता है, लेकिन फिर भी बहुत पहले से ही ये बात मानी जा रही है कि जब बच्चा छोटा होता है, जब कोई लड़की छोटी होती है तो ये कवरिंग क्यों होती है, तो ये होती है कि अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनमें इन्फेक्शन ना हो, उसकी हाइजीन मेंटेन रहे, क्योंकि बच्चे ऐसे ही खेलते हैं, उनको इतना केयर करने का भी नहीं पता होता है। तो ये इसी वजह से होता है कि ये माना जाता है ऐसे कि ऐसे ही इस वजह से ही डेवलप हुआ, इसका और कोई भी काम नहीं है, ये जो झिल्ली है इसका सिर्फ यही माना जा रहा है, ये एक वेस्ट ऑर्गन है एक तरीके से, जैसे कि अपेंडिक्स होती है उस तरीके से ये भी एक वेस्ट ही है, सिर्फ इसका काम यही होता है बचपन में कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो इनका जो इन्फेक्शन है बाहर जो धूल मिट्टी है, ठीक है, जो अंदर की साइड में उनका इन्फेक्शन ना फैल सके, इसका काम होता है। अब लोगों ने इसको पता नहीं क्या से क्या बना लिया है कि इस वजह से है, ठीक है, प्योरिटी से जोड़ दिया जाता है। अब देखिए किस तरीके के और हो सकते हैं, ये इस तरीके के भी हो सकते हैं, किसी किसी में बहुत ही, ये देखिए एक नॉर्मल सा बनाया है, ठीक है, इसके ऊपर इस तरीके से ये होती है, किसकी, जो आप बता रहे झिल्ली उसकी परत, ठीक है, इसके अराउंड होती है, बहुत इलास्टिक है। अब आप सोचें कि ये टूटेगा कैसे, टूटेगा कैसे कि अगर आप इसको थोड़ा ज्यादा खींचेंगे तो ये टूट जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे। कभी कभी क्या होता है जब बच्चे खेलते हैं तो भी टूट जाता है थोड़ा सा, टूटने का मतलब पूरी तरीके से नहीं, लेकिन इसमें से कुछ टिश्यू हट जाता है जिसकी वजह से थोड़ा सा ये ब्रॉड हो जाता है रास्ता, ठीक है। कुछ जो योगा वगैरह करते हैं, कुछ जिम वगैरह जाते हैं तो भी ऐसा हो जाता है, साइकिलिंग से भी हो जाता है, हॉर्स राइडिंग कोई करता है तो उससे भी ऐसा हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि शादी से पहले ही ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं है कि ये सब शादी के बाद जब रिलेशन बनाते हैं तभी टूटता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए ये देखिए किसी किसी में बिल्कुल ही छोटी सी ओपनिंग होती है, बहुत ज्यादा कवर करके रखता है, इसी किसी में ऐसा कटा फटा सा होता है, ठीक है, इस तरीके से कटा हुआ सा इस तरीके की झिल्ली है, ठीक है, इसमें ये ओपनिंग है। किसी किसी में मैंने बताया ऐसे डॉट डॉट के जैसा दिख रहा है कि ये जो टिश्यू है, जो परत है वो कहीं कहीं से परफोरेटेड है, परफोरेटेड होने का मतलब कहीं कहीं से उसमें छिद्र है, पूरी तरीके से ये खुला नहीं है। तो बहुत तरीके के हो सकते हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है। हाँ ये भी सच है कि किसी किसी में सिर्फ और सिर्फ रिलेशन बनाने के टाइम पे ही ब्लीडिंग होती है एंड ये जो टिश्यू है, ये जो मेम्ब्रेन है, ये टूटता है। अब देखिए जिसमें साइज किसी किसी में बहुत ही छोटा है तो कभी कभी ये नॉर्मली ब्रेक नहीं होता है, योगा से या फिर डांस सीन में ब्रेक नहीं होता है, किसी किसी में क्या होता है उस टाइम पे ही ब्रेक होता है जब वो रिलेशन बनाती है, ठीक है। तो इससे भी इनकार नहीं कर रहे इस बात से, लेकिन पूरी तरीके से ये मान लेना कि सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से ऐसा हुआ है कि किसी ने शादी से पहले रिलेशन बनाए हैं, तो ये बात भी पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी की बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, तो ये हम नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से ऐसा हुआ है। तो इन डायग्राम्स की हेल्प से मैंने समझाने की कोशिश की है कि एक्चुअल में क्या होता है। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत तरीके के डाउट होते हैं, बहुत ही क्वेश्चन होते हैं, तो उन सबका आंसर आई होप आपको मिला हो। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको लाइक कीजिएगा एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग इन बातों को समझें और जाने कि मेडिकल क्या कहता है, एक्चुअल में कहाँ पे क्या है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे ही बॉडी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और हम ही नहीं जानेंगे, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को ही नहीं पता है कि कहाँ पे क्या होता है। तो अगर हम खुद ही अपने शरीर को नहीं समझेंगे तो फिर दूसरे को तो समझना बहुत मुश्किल है, और जो भी देख रहा है, लड़का है या लड़की, सबको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि जो मिथ हैं, जो झूठी बातें हैं, वो उनसे हम दूर हो सके, ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसी तरीके के कोई अवेयरनेस से रिलेटेड टॉपिक लेके आएंगे। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई टॉपिक है तो आप मुझे बता सकते हैं। और हमारा जो 12th क्लास की बायोलॉजी का सिलेबस है वो मैं 15 से शुरू करने जा रही हूँ, 15 को हमारा पहला वीडियो आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।